कोई नहीं हमारी मस्जिद पहली हमें अमल बना दिया हलसली फरमाया करते थे काश में अल्लाह के नबी से हसन हुसैन के लिए मस्जिद नबी की अजान मांग लेता हजली फरमाया करते थे और जंग कादसिया में मुआजिन जख्मी हो गया तो अजान देने के शौक में सरदार आपस में उलझ गए कहता मैं दूंगा कहता मैं दूंगा फिर कुरअंदाजी हुई जिससे जिसका नाम निकला उसने अजान दी तो उस तुमर फरमाया करते थे अगर मैं अमीर उलमिन न होता अगर मैं खलीफा वक्त ना होता तो मैं मस्जिद नबी का मुआजन बनना पसंद करता किसी को अजान नहीं मिली हमें अजान पहला मुआजिन बिलाल बना पहले मुआजन बिलाल को यह इज्जत फरमाई दुनिया में यह है और आखरत में यह है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा ना तो जन्नत की मेरे लिए सवारी लाई जाएगी मैं उस सवारी पर बैठूंगा तो उसकी जो वो रस्सी होगी ना वो ऐसे नीचे गिर जाएगी ये नीचे गिरेगी इस रस्सी के यानी उसकी जो लगाम होती है ना वो नीचे गिरने का मतलब है ये, ये ऐसे नीचे गिर गई अब नीचे गिरने का मतलब है कि इसकी ड्राइविंग मेरे नबी ने नहीं करनी कोई आने वाला है कोई ड्राइवर आने वाला है जो रस्सी पकड़ के चलेगा कोई कोचबान आने वाला है जो उसको पकड़ के चलेगा रस्सी का गिरना एक इंडिकेशन है कि कोई नसीब वाला अब आएगा जब आपकी सवारी खड़ी होगी रस्सी नीचे है तो सब सबकी गर्दन ऐसे होंगी हूं कौन सब क्या कर रहे कौन 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 अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा बिलाल को बुलाया जाए बिलाल बिलाल तो बिलाल आपकी सवारी की लगाम पकड़ेंगे और आपने फरमाया कि सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा और बिलाल मेरे साथ होगा मेरी सवारी के लगाम पकड़े हो जाएगा तो हमें अजान मिली किसी उम्मत को अजान नहीं मिली हमें पांच नमाजें मिली किसी उम्मत को नमाजें दो नमाजें एक फजर की दो रखात असर की दो रखात बाजमात नहीं उनको उनको अपनी किताब याद नहीं हमें कुरान याद है मेरे मदरसे में एक बच्चा अब माशा अमरीका में वो पढ़ा रहा है उसने तीस दिन में कुरान याद किया सुबह याद करता था शाम को तरावी में सुनाता था मेरे मदरसे का बच्चा सुबह बैठ के मगरब तक पूरा सिपारा याद करके और ईशा को तरावी में सुना देता था अल्लाह ने हमें ऐसा कुरान दे दिया कि एक महीने में भी याद हो जाता है तीन दिन में भी एक बुजुर्ग ने याद किया तीन दिन में कुरान याद किया अल्लाह ने हमें कुरान की दौलत अता फरमाई पढ़ने के लिए पांच नमाजें अता फरमाई तहजुद की नमाज अता फरमाई अवाबीन की नमाज दी इशराक की नमाज दी चाश्त की नमाज दी नमाज के कितने दरवाजे खोल दिए और मेरे नबी की आखिरी नसीहत थी मेरी उम्र नमाज ना छोड़ना नमाज न छोड़ना नमाज न छोड़ना और इस चौदह सदी में कोई मौका है नमाज छोड़ने का तो वो मेरे नबी के नवासे की करबला का है कि जब जुल्म भी इंतहा पर था और मज़लूम भी अपनी आखिरी हदों पर था और कायनात ने ना ऐसा म देखा न ऐसे मज़लूम देखे न ऐसी पाकिजा हस्तियां देखी न ऐसे दरिंदे देखे तो सूरत ढाला नमाज का वक्त हुआ है तो आपने सुबह आपने जहर से फरमाया कि शिमर से कहो नमाज पढ़ने दे नमाज पढ़नी है उम्मत को पैगाम देना है कि ये किसी हाल में छोड़ने का काम नहीं है तो उन्होंने आगे बढ़ के शिमर से कहा नमाज पढ़ने दो उन्होंने कहा नहीं नमाज नहीं पढ़ने देंगे हमारी तलवार चलेगी उन्होंने वापस आकर जी वो कह रहे हैं हम जंग नहीं रोकेंगे तलवार चलेगी तो फिर ये नहीं फरमाया अच्छा चलो ठीक सिर अच्छा आधे नमाज पढ़ो आधे जंग करो आधों ने नमाज पढ़ी आधों ने जंग की फिर उन्होंने जंग की और पहलू ने नमाज पढ़ी और असर से पहले सबके कट के नेजों पर चढ़ गए ये वो हस्तियां हैं जिनको मेरे नबी ने कहा मेरी आंखों की ठंडक हसन हुसैन मेरे जिगर के टुकड़े मेरे जन्नत के फूल पता नहीं क्या क्या तशबी हाथ दी हैं मेरे नबी ने जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन और फिर नमाज नहीं छोड़ी उनको जन्नत की बशारत तो मां के दूध पीते मिल गई थी करबला की वजह से नहीं मिली सरदारी उनको वो तो उनके सर का सेहरा है अलग उनको सरदारी जन्नत के मिली मां का दूध पीते हुए कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन नमाज नहीं छोड़ी मेरे अजीजो नमाज न छोड़ अल्लाह का शुक्र है मैं आप बच्चों को देख मुझे अपना कॉलेज का दौर याद आ रहा है हमारे दौर में एक नईमुद्दीन साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तबलीग का काम करते थे और वो अकेले ही नमाज पढ़ते थे कोई नमाज ही नहीं होता था और किसी लड़के की दाढ़ी नहीं थी किसी लड़के सिवा से एक नीमुद्दीन अब हर कॉलेज में जाए दाढ़ियों वाले बच्चे नजर आते हैं टोपियों वाले बच्चे नजर आते हैं। कोई लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं होता था कोई एजुकेशन थी अब लम्स जैसी यूनिवर्सिटी में भी लड़कियां पूरे बुरके में होती हैं हिजाब में होती हैं नकाम में होती हैं जहां बुराई का ग्राफ ऊपर गया तो नेकी का भी ऊपर गया जहां बुराई का लेवल अगर बढ़ा है तो नेकी का लेवल भी बड़ा है इतना बड़ा मेरी नस्ल का मजमा अल्लाह की बात सुन रहा है यह उस दौर में कोई तस्वर नहीं कर सकता था